हेलो एवरीवन एंड वन सेकंड वेलकम टू हार्डमैन क्लासेस। माय सेल्फ सोनू हार्डमैन और आज आपका डे 47 है फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। इसमें पहला हमारा क्या है एनिमल्स के ऊपर और दूसरा हमारा है गेम्स के ऊपर। एनिमल मतलब क्या, जानवर के बारे में जानना है थोड़ा सा, तो बस थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा और इसे किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एक प्रकार से आप ये समझिए कि ये हमारा जीके भी हम इसमें पढ़ रहे हैं और साथ में उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना भी सीख रहे हैं। दूसरा हमारे क्या है गेम्स, गेम्स मतलब क्या होता है, क्रीड़ा करना होता है, खेल कूद करना होता है, तो इससे जुड़ा हुआ बहुत सारे सेंटेंस हम लोग आज देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि रमा खेल रही है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी का एग्जांपल लेते हैं कि रमा खेल रही है, मैं खेल रहा हूँ, तुम क्या कर रहे थे, मैं खेल रहा था, मैं अभी क्या खेल रहा था, मैं अभी क्रिकेट खेल रहा था, मैं अभी हॉकी खेल रहा था, है ना। ऐसे जुड़ा हुआ बहुत सारा सेंटेंस है तो उसे मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा मेन मोटिव क्या है फ्रेंड्स इस कोर्स को डेवलप करने का, वो यही है कि ताकि आपको हर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट आसानी से सिखा सकें। ठीक है, जितना भी हिंदी सेंटेंस है हमारा उसे हम इंग्लिश में किस प्रकार से बात कर सकते हैं उस प्रकार से हम आपको मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा मेन मोटिव है इस टॉपिक को या फिर आप बोलिए इस कोर्स को डेवलप करने का। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा डे 47 है। देखिए क्या है, कौन से पशु हमें दूध देते हैं, यानी विच एनिमल्स गिव अस मिल्क, विच एनिमल्स गिव अस मिल्क, क्या हो जाएगा आंसर, गाय भैंस और बकरी हमें दूध देती है, मींस द काउ बुफेलो एंड गोट गिव अस मिल्क। ठीक है, द काउ बुफेलो एंड गोट गिव अस मिल्क। फिर क्या है नेक्स्ट, कौन सा पशु भौंकता है, मीन्स विच एनिमल बार्क्स, है ना, विच एनिमल बार्क्स, यानी कुत्ता भौंकता है, क्या हो जाएगा, द डॉग बार्क्स। फिर क्या है नेक्स्ट, कौन से पशु की गर्दन लंबी होती है, मीन्स विच एनिमल हैज़ अ लॉन्ग नेक, विच एनिमल हैज़ अ लॉन्ग नेक, क्या हो जाएगा, जिराफ की गर्दन लंबी होती है, दैट मीन्स द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक। ठीक है, जिराफ की गर्दन क्या होती है, लंबी होती है। फिर क्या क्वेश्चन है हमारा कि कौन से पशु हमें ऊन देता है, तो क्या बोला जा रहा है कि विच एनिमल गिव अस वूल। कितना इजी है और बहुत ही आसान सा टॉपिक था आज, मतलब है क्या है, विच एनिमल गिव अस मिल्क, क्या हो जाएगा कि भेड़ हमें ऊन देती है, यानी द शिप गिव्स अस वूल, है ना, जो शिप है जो भेड़ है गिव्स अस वूल, हम लोगों को ऊन देती है। फिर क्या है कि कौन सा पशु आधा घोड़ा और आधा गधा होता है, यानी विच एनिमल इज क्रॉस बिटवीन हॉर्स एंड डंकी, क्या हो जाएगा कि वह खच्चर है, मतलब खच्चर पता है दिखने में कैसा होता है, उसका आधा बॉडी पार्ट जो रहेगा ना वो घोड़ा की तरह दिखेगा और बाकी जो बच गया आधा वो गधा की तरह दिखेगा, इसलिए इसका नाम तीसरा नाम क्या पड़ा, खच्चर। तो खच्चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, म्यूल, यानी क्या हो जाएगा, इट्स अ म्यूल। फिर क्या है नेक्स्ट, खच्चर किस काम आते हैं भाई, यानी व्हाट डू म्यूल्स डू, है ना, व्हाट डू म्यूल्स डू, मतलब कि खच्चर किस काम आते हैं, तो खच्चर बोझा ढोने के काम में आते हैं, है ना, खच्चर जो होते हैं वे सभी बोझा ढोने के काम में आते हैं। तो इसका क्या है, द म्यूल इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग लोड, द म्यूल इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग लोड। फिर क्या है नेक्स्ट, कि कौन सा जंतु छत्ते में रहता है, यानी विच इंसेक्ट लिव्स इन हाइव, ऐसा समझ में, यहाँ पे कौन से छत्ते की बात हो रहा था, यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बात हो रहा था। ठीक है, तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि विच इंसेक्ट लिव इन लाइव, तो क्या बोल रहा है कि शहद की मधुमक्खियाँ छत्ते में रहती हैं, बीज लिव इन हाइव्स, है ना, बीज लिव इन हाइव्स। फिर क्या है नेक्स्ट, रात को कौन सा पक्षी चीखता है, यानी विच बर्ड्स हूट्स एट नाइट, ठीक है, विच बर्ड्स हूट्स एट नाइट। फिर क्या नेक्स्ट, इसका आंसर, उल्लू रात को चीखता है, सबको पता है ना, द आउल हूट्स एट नाइट। फिर क्या है कि कौन कौन सा जीव जाला बुनता है, यानी विच एन इंसेक्ट वेब्स वेब, तो क्या हो जाएगा कि मकड़ी जाला बुनती है, यानी द स्पाइडर वेब्स वेब, ठीक है, द स्पाइडर वेब्स वेब। फिर देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या था, गेम्स के ऊपर, यानी कि खेल कूद के ऊपर, क्रीड़ा के ऊपर। तो इसमें हमारा देखिए पहला सेंटेंस क्या है, रमा खेल रही है, यानी
रमा इज प्लेइंग, फिर क्या नेक्स्ट हमारा, आपको अधिक से अधिक, आपको अधिक चोट तो नहीं लगी, यानी होप यू आर नॉट बैडली हर्ट, मतलब कि आशा करता हूँ कि आपको ज़्यादा चोट नहीं लगी होगी। फिर क्या है नेक्स्ट, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, यानी आई एम फ्लाइंग अ काइट, ठीक है, आई एम फ्लाइंग अ काइट। फिर क्या है नेक्स्ट कि आज हम शतरंज खेलेंगे, यानी वी शुड या फिर वी वुड प्ले चेस टुडे, ठीक है, आज हम शतरंज खेलेंगे, यानी क्या हो जाएगा कि वी शैल प्ले चेस टुडे। फिर क्या है नेक्स्ट, तुम कौन से खेल खेलते हो, मीन्स विच गेम, व्हाट गेम्स डू यू प्ले, है ना, तुम कौन से खेल खेलते हो, विच गेम्स नहीं होगा बल्कि व्हाट होगा ना, कि व्हाट गेम्स डू यू प्ले, हमारी टीम जीती है, वाह खेल कर का भी गया, मीन्स आवर टीम हैज़ वॉन। फिर क्या नेक्स्ट, खेल शुरू हो गया, यानी क्या हो जाएगा, द गेम हैज स्टार्टेड, ठीक है, द गेम हैज स्टार्टेड। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि छलांग लगाते हुए मुझे मोच आ गई, छलांग लगाते हुए मुझे मोच आ गई, यानी आई स्प्रेड, है ना, आई स्प्रेंड माई एंकल वाइल एम क्या वाइल जंपिंग, मतलब कि जंपिंग के दौरान मेरा जो पैर है वो स्क्रैम क्या है वो स्प्रिंट कर गया, तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि आई स्प्रेंड माई एंकल वाइल जंपिंग। फिर क्या है, वह तेज दौड़ने वाला है, यानी कि ही इज़ अ फास्ट स्प्रिंटर और रेसर। फिर हमारे स्कूल का खेल का मैदान काफ़ी बड़ा है, यानी आवर स्कूल हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड, ठीक है, हमारे स्कूल का खेल का मैदान बहुत बड़ा है, यानी कि आवर स्कूल हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड। फिर क्या है नेक्स्ट कि तुम्हारी बेसबॉल टीम का कप्तान कौन है, बेसबॉल टीम का कप्तान कौन है, यानी हु इज़ द कैप्टन ऑफ योर बेसबॉल टीम। फिर देखिए नेक्स्ट क्या हमारा कि क्या तुम्हारी टीम भी राष्ट्रीय फुटबॉल परीक्षा में भाग ले रही है, है ना, वो फुटबॉल का प्रतियोगिता होता है, परीक्षा नहीं होता, सॉरी, क्या कि क्या तुम्हारी टीम भी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग ले रही है, यानी इज योर टीम ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन द नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, इज योर टीम ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन द नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, इन द क्या बोल रहा है, इन योर टीम ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन द नेशनल गवर्नमेंट, फिर क्या देखिए नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा कि मुझे नाव खेलना अच्छा लगता है, यानी आई लाइक रोविंग, नाव खेलना को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोविंग। फिर देखिए ओ ख़त्म हो गया, थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे, आई होप कि आपका आज वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा, अब मैं मिलता हूँ कल आपसे, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय।